अबाउट द पैट्रिशियन बाय जॉन गाल्सवर्दी. द पैट्रिशियन इज़ अ फिक्शन एंड दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1911. द पैट्रिशियन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पैट्रिशियन मतलब एरिस्टोक्रेट, ब्लू ब्लड कह सकती हो, रिच. तो इसमें पैट्रिशियन कौन है और क्या वो मतलब इसमें किस तरीके की जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के बारे में बताया गया है वो हम देखेंगे. साथ ही साथ में इसमें जो स्टोरी है वो इसमें लव अफेयर्स भी हैं. एक तो जो कैरेक्टर्स में आप देख सकते हो यूस्टेस जो है इसका एक लेडी से है और इसी की सिस्टर भी है जो इसकी ऑपोजिट पार्टी से बिलोंग. क्योंकि पैट्रिशियन का मतलब कहीं ना कहीं आप कंजर्वेटिव से लगा सकते हो कि कंजर्वेटिव वो होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं जो कि वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं. उनको ऐसे लगता है कि हम ही एजुकेटेड हैं और हम ही आगे इसमें सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो चला सकते हैं. जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी होती है लिबरल, वो सबको फ्रीडम प्रोवाइड करती है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकते हैं. तो जो यूस्टेस है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है. और जो दूसरा पर्सन है मिस्टर कॉर्टियर, ये लिबरल से बिलोंग करते हैं. और मिस्टर कॉर्टियर से ही इसकी जो सिस्टर है यूस्टेस की वो लव करती है और इन दोनों का लव ही किस तरीके से ख़त्म हो जाता है वो भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि स्टोरी में जो पेयर्स हैं वो किस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते, मतलब उनकी शादी नहीं हो पाती है. तो ये विक्टोरियन अपर क्लास की एक स्टोरी है जिसको हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. कैरेक्टर्स में जैसा कि मैंने बताया, यूस्टेस कैराडॉक जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है क्योंकि उसे एक सीट चाहिए पार्लियामेंट में, उसके लिए फाइट करता है. और ये जो कैराडॉक फैमिली है दैट मीन्स लॉर्ड वैलीज और लेडी वैलीज जो है उनका बड़ा बेटा है. और ये मिसिज नॉयल से लव करता है. मिसिज एंड्रीलीज नॉयल जो है वो अंगेज है इसके साथ में, लव अफेयर में यूस्टेस के साथ में. लेकिन साथ ही साथ में ये वाइफ है रेवरेंट स्टीफन नॉयल की, मतलब ये शादीशुदा है और अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी ये एक लव अफेयर में है यूस्टेस के साथ. रेवरेंट स्टीफन नॉयल जो है वो हस्बैंड है मिसिज नॉयल के. और लॉर्ड वैलीज और लेडी वैलीज जैसा कि मैंने बताया वो कैराडॉक फैमिली से बिलोंग करते हैं. लॉर्ड वैलीज हेड ऑफ द फैमिली हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ यूस्टेस, एंड लेडी वैलीज इज मदर ऑफ यूस्टेस कैराडॉक. लेडी कास्टरले जो हैं ये कैराडॉक की मतलब यूस्टेस कैराडॉक की ग्रैंड मदर हैं. इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं लेडी वैलीज कि जब ये लव करने लग जाते हैं एक मैरिड वुमन से तो कि ये अपने रास्ते से ना भटक जाएं, अपने कैरियर को ना ख़त्म कर लें. इसलिए इनकी जो ग्रैंड मदर है लेडी कास्टरली वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती है कि वो अपने ग्रैंडसन को समझाएगी. मिस्टर कॉर्टियर जो है जैसा कि मैंने बताया एक तरफ कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं यूस्टेस और दूसरी तरफ लिबरल जो पार्ट ऑपोजिट हैं, ओपोनेंट ऑफ यूस्टेस, दैट इज मीन्स मिस्टर कॉर्टियर. बारबरा जो है, बारबरा कैराडॉक जो है वो यूस्टेस की सिस्टर हैं और ये मिस्टर कॉर्टियर से लव करती हैं, मतलब अट्रैक्ट फील करती हैं. लेकिन बाद में वो मतलब उनका जो लव है वो सक्सीड नहीं हो पाता है. वैसे बारबरा जो है वो मिस्टर कॉर्टियर के जो व्यूज होते हैं फ्रीडम को लेकर उन वो सबको लाइक करती है क्योंकि जो इसकी फैमिली में चले आ रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक व्यूज़ और जो भी हैं वो ये लाइक नहीं करती, अपने फैमिली में ये बंदिश समझती है इन सब चीज़ों को. सो ये जो कैरेक्टर्स हैं होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे. अब हम स्टोरी की बात कर लेते हैं. तो लॉर्ड वैलीज जो है जैसा कि मैंने बताया वो हेड ऑफ़ द हाउस हैं और ये लंदन वापस आते हैं एक वैकेशन पे जाने के बाद में, क्योंकि मॉकलैंड कोर्ट में थे ये पहले, लेकिन यहाँ पे वापस आते हैं लंदन में क्योंकि उनको कैबिनेट मीटिंग में कुछ बात करनी है. क्योंकि यहाँ पे लंदन में वार थ्रेट्स हो रहे हैं उनके उस कंट्री पे, तो उनको उस बारे में बात करनी है.
इनके बीच में जो एक और चीज़ अगर हम देखें तो उनका बड़ा बेटा जो था यूस्टेस कैराडॉक, वो भी पार्लियामेंट में सीट बनाने के लिए फाइट कर रहा था, तो फैमिली उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। उनको ये फैमिली को ये चाहिए था कि वो हमें मिल जाए वो सीट पार्लियामेंट में, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी से वो बिलोंग करते थे और पार्लियामेंट के वो मेंबर बनना चाहते थे। तो यहाँ पे क्योंकि उनको सोसाइटी में अथॉरिटी और ये सारी चीज़ें, मतलब अगर वो एरिस्टोक्रेट हैं तो उनका ये हक बनता है, उनको ऐसा लगता है। यहाँ पे लॉर्ड वैली और लेडी वैली हैं, वो दूसरी तरफ अपने बेटे को एक चीज़ जो कैरियर है उसको लेकर भी काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि जो उसकी स्पीचेस हैं यूस्टेस की वो इस तरीके की होती हैं, वो अपने हाई आइडियल्स शो करता है उसमें, कि उसके व्यूज़ से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ रखता है और ये हमें मतलब हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ में वो एक लेडी जो है उनसे अट्रैक्ट फील करता है, मिसिज ऑड्री नॉयल से। तो मिसिज ऑड्री लीज नॉयल जो हैं, मिसिज नॉयल कह सकते हैं हम इन्हें, तो इनके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये डिवोर्सी हैं, लेकिन उनका मतलब अभी डिवोर्सी है नहीं वो, लेकिन सारी जगह पे ये अफवाहें फैली हुई हैं। और इन सब में मतलब लेडी वैलीज और ये सब चाहते हैं कि वो उससे दूर रहे, और लेडी वैली इस बारे में बात करती है उस अपनी मदर से, मतलब यहाँ पे यूस्टेस की ग्रैंड मदर से, कि वो अब अपने ग्रैंडसन को समझाए, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स उसके कैरियर के लिए डेंजरस हो सकती हैं। लॉर्ड वैली जो है वो यहाँ पे लंदन में जब देख रेख कर रहा था, यूस्टेस जो था वो अपनी जो कन्वर्जेशन थी वो मिस्टर कॉटियर से करता था, वो कन्वर्जेशन जो होती थी वो मिसिज नॉयल के ड्राइंग रूम में होती थी मोस्टली। क्यों? क्योंकि मिसिज नॉयल से यूस्टेस तो लव करता था इसलिए उसके घर जाता था, और मिस्टर कॉटियर था वो जो था वो उसके जो थॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे फ्रीडम लिबर्टी को लेकर, और वो उनके उनके बचपन के दोस्त थे, मतलब मिसिज नॉयल के जो मिस्टर कॉटियर थे। तो इस तरीके से इनके अलग व्यूज़ थे, दूसरी तरफ यूस्टेस के अलग व्यूज़ थे, उन दोनों में काफ़ी बहस होती थी इन बातों में, क्योंकि यूस्टेस को लगता था कि वो एरिस्टोक्रेट हैं, एजुकेटेड हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये भार है कि वही कंट्री को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, उनको पता है बेस्ट वेज। तो यहाँ पे दोनों जेंटलमैन हैं वो इनके यहाँ पे मिसिज नॉयल के यहाँ पे आते थे और बात करते थे। तो यहाँ पे जो कॉर्टियर थे वो, जैसा कि मैंने बताया, वो उनसे बचपन से जानते थे और यूस्टेस उनसे लव करते थे, तो वो मोस्टली उनके घर पे आते जाते रहते थे। कुछ टाइम बाद में क्या होता है, जो यूस्टेस है वो मिसिज नॉयल के यहाँ पे आता है, और विलेजर्स जो होते हैं वो किसी को पीट रहे होते हैं। बाद में वो उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो पता चलता है कि मिस्टर कॉर्टियर के साथ ही कुछ इंसिडेंट हुआ है, और मिस्टर कॉर्टियर को काफ़ी इंजरी हुई है, इसलिए वो उसको लेकर आते हैं। जो यूस्टेस है और मिसिज नॉयल जो हैं, और मिस जो यूस्टेस है वो उसे अपने घर पे लेके जाता है, जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाता। तो जब वो रिकवर हो जाता है तो यूस्टेस मतलब इन बिटवीन यूस्टेस का जो भी मैटर है वो भी सबके सामने आ जाता है, क्योंकि जो वो उसके वुमेन मतलब मैरिड वुमेन के साथ जो मिलना जुलना है उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही है उससे, तो उसको ऐसे लगता है कि अब तो उसकी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको ऐसे लगता है लोगों को कि उसको पार्लियामेंट में सीट भी नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ें उनकी फैमिली को बहुत बुरी लगती हैं और लोकल न्यूज़पेपर में भी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन बाद में मिस्टर कॉटियर जो हैं वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि मिसिज नॉयल जो हैं वो लॉफुल अभी वाइफ हैं रेवरेंट स्टीफन नॉयल की, क्योंकि अभी उनके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है। इन सब सिचुएशन का अच्छे से यूस्टेस को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर से एक क्विक ट्रिप होती है लंदन की, और यूस्टेस को अब नहीं पता होता है कि उनके उस टाइम पे वहाँ पे क्या हो रहा होता है। और मिस्टर कॉटियर जो थे उनकी स्टेटमेंट जब सामने आती है तो जो हैं ये मिसिज नॉयल से मिलने के लिए जाते हैं यूस्टेस जो हैं, और उनसे जो लव करते हैं वो उसको बताते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मिसिज नॉयल को ऐसे लगता है कि इसको सब कुछ पता होगा, लेकिन
यूस्टेस को कुछ भी नहीं पता होता कि इसका डिवोर्स नहीं हुआ है अभी अब। लेकिन जो मिसेस नॉयल थी वो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको कुछ भी नहीं बताती है। उसको लगता है कि इसको पता होगा और वो एक एक्टिव लव अफेयर में को कंटिन्यू करते हैं मतलब। और अब जो मैटर है वो और भी ज़्यादा ख़राब होता जाता है। मिसेस नॉयल का जो हस्बैंड था वो उसको डिवोर्स नहीं देना चाहता था और यहाँ पे यूस्टेस को लग रहा था कि वो डिवोर्सी हैं। अब यहाँ पे यूस्टेस और इन सब मिसेस नॉयल में जो रिलेशन है वो बढ़ रहा था। उसके बाद क्या होता है कि यूस्टेस जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्ट हो जाता है, मतलब वो एक सीट के लिए जीत जाता है और वो पार्लियामेंट का एक इलेक्टेड मेंबर हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि दोनों ये डिसाइड करते हैं, मिसेस नॉयल और यूस्टेस, कि वो अब एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन मिसेस नॉयल उसको लंदन में मिलने के लिए आती है। यूस्टेस जो है वो अब क्या है कि उनमें जब ये डिसाइड होता है कि वो एक दूसरे को नहीं देख मिलेंगे तो यूस्टेस को बहुत बुरा लगता है और वो खुद को इतना बिजी रखना चाहता है काम में कि उसको मिसेस नॉयल की याद ही ना आए। अब वो इतना काम में इतना बिजी रहता है कि वो बीमार हो जाता है। उसकी जो यंगर सिस्टर है बारबरा वो उसको देखने के लिए जाती है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो देखती है कि जो मिस्टर कॉर्टियर हैं उसके बारे में भी वो सुनती है और मिसेस नॉयल जो हैं वो भी लंदन में हैं, इनके बारे में पता चलता है। तो वो डिसाइड करती है कि वो नॉयल मिसेस नॉयल को वापस लेकर आएगी और यूस्टेस की देखभाल के लिए। और यहाँ पे वो खुद जो बारबरा है वो भी अट्रैक्टेड फील करती है मिस्टर कॉर्टियर की तरफ। बारबरा जो है वो इस कपल के लिए सिंपैथेटिक है, मतलब मिसेस नॉयल और अपने भाई यूस्टेस के लिए, क्योंकि एक तो वो खुद यंग है, वो इन सब जो उसकी फैमिली के एरिस्टोक्रेट व्यूज हैं इन सब चीज़ों से वो दूर जाना चाहती है। दूसरी तरफ वो क्या है कि अपना भी वो जो जैसा कि मैंने बताया ट्रेडिशनल फैमिली और सोसाइटी और इन सब से वो बाहर निकलना चाहती है। दूसरा बारबरा जो खुद है वो मिस्टर कॉर्टियर को पसंद करती है, जब ही स्टे एट मॉकलैंड कोर्ट, उस टाइम से जब वो जानती है उसको तब से। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि उसका बहुत अच्छा हैंडसम अपीयरेंस होता है मिस्टर कॉर्टियर का, तो उससे वो अट्रैक्टेड फील करती है। तो यहाँ पे लेकिन सोसाइटी में ये सब कुछ नहीं चलता है क्योंकि वो मतलब एरिस्टोक्रेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बारबरा जो है वो मिसेस नॉयल को अपने भाई के लिए ले आती है उसको, और यहाँ पे वो मिसेस नॉयल है उसका कंपनी से यूस्टेस धीरे धीरे ठीक भी होने लग जाता है। लेकिन बारबरा ये सब कुछ अपनी फैमिली को नहीं बताती है कि उसने अपने ब्रदर की हेल्थ को लेकर ये सब स्टेप उठाया है, वो मिसेस नॉयल से मिली थी और उसको लेकर आई, ऐसी कोई बात नहीं बताती है। तब तक कि उसका भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, यूस्टेस बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। तो उसके बाद क्या होता है कि वो यूस्टेस जो है वो रिकवर हो जाता है और उसके बाद में वो उनका जो अफेयर है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है मिसेस नॉयल और यूस्टेस का। लेकिन यहाँ पे यूस्टेस का जो जैसा कि मैंने बताया उसके भाषण में भी लगता था, तो वो उसके बहुत बड़े बड़े आइडल्स थे और ऐसे ऐसे व्यूज़ थे, अच्छे व्यूज़ थे, तो उसको लगता था कि मिसेस नॉयल के साथ में मेरा अफेयर सही नहीं है एज ए मतलब पार्लियामेंट मेंबर, मुझे इसे जो है पार्लियामेंट की सीट को उसे छोड़ देना चाहिए, मैं इस सीट के लिए फिट नहीं हूँ। तो इस ये सब बातें जब उसकी फैमिली को पता चलती हैं तो उसकी फैमिली उसको कहती है कि अगर तुम ऐसा ही मानते हो, एक तो डजेंट मैटर कि तुम्हारा अगर अफेयर है तो भी तुम पार्लियामेंट में रह सकते हो, और अगर नहीं भी तुम रहना चाहते हो तो मतलब तुम इसको लेडी को छोड़ दो, मतलब मिसेस नॉयल को छोड़ दो, तुम पार्लियामेंट के जो मेम्बरशिप है वो क्यों छोड़ रहे हो। मिसेस नॉयल जो है उसकी कोई डिज़ायर नहीं होती है कि वो करियर को ख़त्म कर दे, वो खुद नहीं चाहती है कि वो क्योंकि उसको लगता है कि ये पार्लियामेंट में जो वर्क कर रहा है इसी में ये खुश है और ये खुश नहीं रहेगा, मे बी ये काम छोड़ देगा। तो
शी नो कि ये पार्लियामेंट के बाहर खुश नहीं रह सकता. तो और एट लास्ट जो लेडी कास्टरले है वो भी मिसिज नॉयल से मिलने के लिए जाती है लंदन में, और जो यंग वुमेन है मतलब मिसिज नॉयल जो है वो एग्री हो जाती है कि वो अब यूस्टेस से कभी नहीं मिलेगी लाइफ में. तो यूस्टेस है वो काफ़ी डिप्रेस्ड फील करता है, लेकिन अपने कैरियर में वापस से वो कंसर्न करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ध्यान देना स्टार्ट कर देता है. बारबरा जो है वो भी इन सब से बाहर आना चाहती थी, ट्रेडिशंस से वो नहीं आ पाती है, और अपने ही क्लास के एक पर्सन से वो शादी कर लेती है. दूसरी तरफ मिसिज़ नॉयल और मिसिज़ कॉर्टियर जो थे वो दोनों ही एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के हाथों मजबूर हो गए, और उनको नुकसान उठाना पड़ा एरिस्टोक्रेटिक क्लास की वजह से और कंजर्वेटिव और एरिस्टोक्रेटिक क्लास की वजह से, और वो दोनों उन लोगों की लाइफ से चुपचाप दूर चले जाते हैं. मतलब यूस्टेस की लाइफ से जो है मिसिज़ नॉयल दूर चली जाती हैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ बारबरा की शादी हो जाती है, तो मिस्टर कॉर्टियर जो हैं वो भी इनकी लाइफ से दूर चले जाते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स.